क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने जा रहे भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को हर जगह से सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही हैं। बधाई देने वालों में अब युवराज सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। मजे की बात यह है कि युवराज सिंह ने सौरव गांगुली को बधाई देते हुए बीसीसीआई पर यो-यो टेस्ट को लेकर तंज भी कसा और इसके बाद गांगुली ने उस पर शालीनता से जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा कि भारतीय कप्तान से लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की महान आदमी की महानतम यात्रा। मेरा मानना है कि क्रिकेटर के लिए प्रशासक बनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आप खिलाड़ी के लिहाज से स्थिति को समझते हैं। काश आप उस समय अध्यक्ष बनते जब यो-यो टेस्ट की मांग थी। आपको शुभकामनाएं दादा। युवराज सिंह का इशारा अपने इंटरनेशनल करियर के अंतिम दिनों की तरफ था जब टीम इंडिया में जगह पाने के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया था। इस ट्वीट के बाद प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली ने युवराज को जवाब देते हुए कहा कि शुभकामनाओं के लिए थैंक यू, आपने हमें विश्व कप जिताया है। अब समय आ गया है खेल के लिए कुछ बेहतर करने का। तुम मेरे सुपरस्टार हो, भगवान आपका भला करे। बता दें कि युवराज ने भारत के लिए 2007 T20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। युवराज सिंह शायद कुछ साल और खेल सकते थे लेकिन यो-यो टेस्ट अनिवार्य करना और टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चूक के कारण युवराज का करियर तो खत्म हुआ ही। साथ ही नंबर 4 और नंबर 6 का गणित भारतीय टीम अभी भी नहीं भेद पाई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।